हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल, और आप सब जानते हो मैं हूँ ब्यूटिशियन और मेरा है ब्यूटी पार्लर। तो आज पार्लर में जाके आपको मैं एक बंगाली ब्राइड कैसे तैयार होती है वो दिखाने वाली हूँ। जिस तरह से मेरे स्टूडेंट लोग का एग्ज़ाम सेशन चालू है, तो अभी तक आपने नववारी, महाराष्ट्रियन ब्राइड और मरा मतलब गुजराती ब्राइड और वो सब देखा आपने, तो इस बार मैं आपको बंगाली ब्राइड बताने जा रही हूँ। तो लड़कियाँ आपको तैयार करके दिखाएगी, उनका एग्ज़ाम है, तो देखते हैं वो कितना मार्क्स उनको मिलता है। तो आज टर्न है आशा बनेगी बंगाली दुल्हन, और उसको तैयार करेंगे दो जन मिलके, क्योंकि बंगाली थोड़ा सा हार्ड है, तो थोड़ा सा दो जन मिलके तैयार करने वाले हैं। तो पता नहीं दो जन कौन मिलके तैयार कर रहा है, शायद तो निकिता है और सेकंड वन पता नहीं है, अब पार्लर पे जाके ही पता चलेगा कि कौन तैयार कर रहा है। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये ब्राइडल लुक वाला वीडियोस, जो मैं मेकअप के वीडियोस बता रही हूँ, अच्छे लगे तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर से कीजिएगा। ओके, तो चलिए निकलते हैं पार्लर पे। तो गाइस, बंगाली लुक स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो उसके लिए मेकअप, ये सारा मेकअप किट है जो ऑर्नामेंट्स से पिंस काटे हैं, और इतने मेकअप से स्टूडेंट मेरी बंगाली लुक क्रिएट करके बताएगी। और ये वाला आईलाइनर है, और आपने वाइट और रेड कलर का ये लाए हैं। बंगाली पीर बनाएंगे स्पेशली हम लोग, वो मुझे स्टूडेंट को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने अभी तक बताया नहीं है। वो लोग पहले बंगाली साड़ी और वो सब हो गया है मेरा दिखा के, तो लोग वो बताएंगे। आज मैं उनको वो बंगाली पीर कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। उसके लिए मैंने लिया है वाइट कलर, इसका वाइट और रेड कलर, तो दोनों मिला के हम वो पीर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगी बंगाली लोग स्पेशली कैसे तैयार होते हैं, और बंगाली दुल्हन कैसी दिखती है विद बंगाली साड़ी और ट्रेडिशनल मेकअप और हेयर स्टाइल के साथ। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट लोग अब स्टार्ट करेंगे। गाइस, ये साड़ी है, ये साड़ी को बंगाली साड़ी में पहनाएंगे हम। तो गाइस, बंगाली साड़ी पहनाने को स्टार्ट कर रहे हैं इसको। ये बंगाली साड़ी में ना पटली बोलते हैं ना, पटली नहीं आती है, तो उसको पूरा पीछे की साइड ऐसे जाने दिया है, और रिटर्न उसको लाने का है वापस इस तरह से। गाइस, ये बंगाली साड़ी में ना फॉल नहीं रहता है। बस इस तरह से फोल्ड कर देना है ये साइड और ये साइड। देखिए, ये सर इस तरह से ये ऐसा फोल्ड आएगा, और उसके बाद पटली लेना है।
देखिएगा गाइस कितना इजी है, मगर ये साड़ी एकदम इजी है। और गाइस एक बंगाली मेड मेरे पास आती थी, उसने मुझे सिखाया था, बहुत अच्छे से सिखाया था, बहुत प्यारी थी वो, बात करने में भी बहुत अच्छी थी। और उसने मुझे सारी 3-4 दिन मुझे अलग अलग स्टाइल की सारी बंगाली, सारे बंगाली लोग कैसे अलग अलग तरह से पहनते हैं वो मुझे पूरी सिखाई थी। तो ऐसी हो गई है बंगाली साड़ी। सिंपली आपको आगे का पल्लू लेके यहाँ पे खोज देना है, देखिए इस तरह से पीछे की साइड। आगे से फॉल इस तरह से आएगा, साड़ी का लुक इस तरह से आएगा। बंगाली साड़ी ना गाइस ऐसे लंबाई में बड़ी रहती है, यहाँ पे आप चाबी का छल्ला लगा सकते हैं। और बंगाली लोग की पल्लू में इस तरह से चाबी बांधी रहती है। पिन के साथ टाई कर दो। तो गाइस आपको समझा, सिंपल मेथड है बंगाली साड़ी पहनने का। छे आगे नहीं। पहले एज यूजुअल मेकअप स्टार्ट हो रहा है, सेम क्लिंजिंग मिल्क, फेस वॉश एंड बर्फ का मसाज। तो गाइस मेरे बैक टू बैक वीडियोस में जो आपने मेकअप देखा है, मेकअप उसी तरह से स्टार्ट हो रहा है। गाइस सबसे पहले इनसाइड का प्राइमर यूज करेंगे हम, इनसाइड का प्राइमर। गाइस ये फाउंडेशन यूज कर रहे हैं कंप्लीट कवर गर्ल का, और ये फाउंडेशन बहुत अच्छा फिनिशिंग देता है। मतलब इतने सब ने मेकअप किया ना, मुझे सबसे अच्छा ये वाला फाउंडेशन, ये बिल्कुल काला नहीं पड़ रहा है, ये वाला फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हो रहा है। मेकअप एज यूजुअल रह रहा है थोड़ी देर के बाद भी, नहीं तो बहुत से फाउंडेशन कैसे बाद में ब्लैक पड़ जाते हैं ना। ये आँख का मेकअप मैंने उनको बताया है आज, अब इस पे आईलाइनर वगैरह लगाना बाकी है। इस तरह से डबल शेड में किया है ताकि आईज अच्छे से ये होए, और अब वो प्रैक्टिस कर रही है। गाइस यहाँ कैसी लग रही है आपको, अच्छी लगे तो कमेंट्स करके मुझे बताइए। और ज़्यादा मतलब डार्क हो जाएगा, मेरा लाइट है ना, तो मैंने जो बताया वो लाइट है तो उसी हिसाब से आना चाहिए। ज़्यादा नहीं लेने का, इतना
फॉर्म लेने का, क्योंकि वो अपना ये है ना लिक्विड फॉर्म में है और ये ड्राई फॉर्म में है। इकडे एडजस्ट ब्लेंड करना अजून केलं तर मग ते अजून काळं काळं होईल। गाइस देखिए आपका मेकअप, मैंने अपना चाबी बांधा था पर वो चाबी बार बार मुझे लग रहा है क्लाइंट आ रहे तो फिर मैंने उन्होंने ये छल्ला लाया है तो छल्ला बांध रहे पल्लू में। गाइस जब आँख का मेकअप करते हैं ना आईब्रोज को फील करना बहुत ज़रूरी है और आईब्रोज प्रॉपरली की हुई चाहिए। गाइस आँखों का मेकअप वगैरह सब होने के बाद एक बार आप पूरी तरह से फाउंडेशन से फेस को फिर से पूरा अच्छे से फिल कर दीजिए। कंसीलर इकड़े पण लावा थोड़ा तिकडे ना इकडे यहाँ पे ये इतले खड्डे है ना ब्लशर यूज कर रहे गाइस। फिश माउथ करा ना जरा होत नाही ऊपर नीचे नहीं लगाने का, चीक बोन पे ही लगाने का। क्या है हाइलाइटर लगा डाउन ज़्यादा ले रहे हो ऊपर ले रहे ये हड्डी रहती है ना अपनी तो वहाँ पे लेने का। गाइस हाइलाइटर लगाने से पूरा शाइनिंग फेस हो जाता है और लुक बहुत अच्छा आता है। बंद ठेवा लिप्स म्हणजे बरोबर लावू शकेल। हां
ब्रश में लो थोड़ा। खालती बघा घेऊन द्यायचा ना हलव ना तू हलव ना त्याला हलव ना नाही पूर्ण नाही होणार बंगालीमध्ये पूर्ण नसते बेटा त्यांची मध्ये ही असते आणि इथे मोठ लाल गोल सकाळी आलेला ना तो दोन मिनटं डोळे बंद ठेव अब इसमें हम थोड़ा सा रेड फिल करेंगे गाइस देखिए ये पूरा बंगाली पेड़ हमने रेडी कर दिया है दोनों साइड और इस तरह से आप जितना बड़ा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक मिनट बेटा रेड दे जरा रेड तो गाइस बंगाली लोग बोलते हैं भालो पाशी मुझे इसका मीनिंग पता नहीं है पर मैं आपको पूछ रही हूँ कैसा लगा अच्छा लगा कि नहीं
तो मुझे ऐसा लग रहा है भालोपाशी का मतलब होगा अच्छा लगा के नहीं ऐसा आस्क कर रहे होंगे। पता नहीं, जो भी बंगाली मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मुझे बताइए कि उसका मतलब क्या है भालोपाशी का, कमेंट्स करके बताइए गाइस। गाइस आईज का मेकअप आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लग रहा है आईज का मेकअप, और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, और ये बंगाली लुक भी गाइस मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। तो देखिए ये पीर मैंने फर्स्ट टाइम निकाली है इस तरह से। हम लोग रहते हैं इधर, यहाँ पे कोई बंगाली इतना ज़्यादा आता नहीं है दुल्हन, हाँ पर कलकत्ता साइड में बहुत बंगालीज है और वो इसी तरह से तैयार होते होंगे। लास्ट में बाल बांधने की बारी आई है, तो आपने देखा साड़ी देखी, मेकअप देखा, ये उनका स्टाइल देखा, पीर क्या बोलते हैं वो, और अब हम बालों को बनाएंगे। पता नहीं आज का वीडियो कितना लंबा होता है। सिंदूर लगा दो, बस उसको खोलना नहीं क्योंकि स्प्रे नहीं मारा है। गाइस जब हम ऐसा बनाते हैं ना तो इसको हेयर स्प्रे मार देने का, तो हेयर स्प्रे मारने से कड़क हो जाता है, फिर जब हम पिन निकालते हैं ना तो अच्छे से हो जाता है, ओके अच्छे से रहता है। पर अभी हेयर स्प्रे मारा नहीं था, अब मार रहे हो तो पहले निकालने के डोले बंद करो, फिर थोड़ी देर पिन लगा के रखो। गाइज ये बंगाली दुल्हन तो सच में बंगाली लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं कमेंट्स करके बताना मुझे। तो गाइज अभी स्प्रे मार दिया है और अब हम लगाएंगे ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं अभी। एक वाइट कलर से बना है निकिता, छोटा मणी वाला ते मी घेतलाय, देवो तुम्हाला नाही आता ते घातलं तर ते बघ ते घट्ट बसेल का जरा, आणि चांगलं आहे, छान वाटते, ते बंगाली लोकांसारखंच वाटते ना। हे ये नाही, ये नाही कमर पट्टा, ते आतमध्ये बघ, देखो उसमें से नाक का नहीं गिर जाए, मेन मेरे को नाक का ही चाहिए। नाही मंगळसूत्र आणलं नाही मी पण विसरली, पण मी काल डीमार्टला गेली होती ना तर मला दिसले ते पिनाचं पूर्ण बॉक्स, तर मी घेऊन टाकलं, कोणाला तरी मी बोलली। पिन लग गई, वाव मी पिनच लावते। अच्छा बरं झालं, नाही तर मी काल घातलं असतं तर मला ते बनवून चाहिए। बस अभी उसमें से कोई कान का एडजस्ट करो, मेरे इसमें से मत एडजस्ट करो। कान का नहीं, उन्होंने सोने का पहना है, रहने दो कान का, मेरा नहीं है उनका ये। चलो ये सिंदूर लगा, बरोबर दिसतील कारण हे सगळं एवढा आहे ना, हे बघा ना, हे घाला ना, आज आहे का अंदर जोपर्यंत पेना दो पेना उसके ऊपर ये लो माणूस पेना गुस्से का है होली बहुत बड़ा डालते हैं ना वैसे भी एवढे वजन मध्ये घालतात तुम्ही? नाही पहिला उलट नव्हते मी ना, काय काय वजन घालून ठेवायची तेव्हा ती एवढी मोठे मोठे झाले, नाही तर सोन्याची काय त्याच्यात आईची घुसायची। हा ये पिन निकालो पहिले, पिन नाही अच्छा लग रहा है।
नहीं पूरा ये मांग इधर से इधर भर दो सीधे। अरे भरो ना, शादी थोड़ी होने वाली है। हाँ भरो। गाइस मेरे स्टूडेंट ना एक नंबर के डरपोक है। किसी किसी को नहीं जमता ऐसा, सबके अलग अलग सिस्टम है। कुछ सिस्टम नहीं है, पार्लर में सब कुछ चलता है। तो गाइस देखिए टिपिकल बंगाली ब्राइड अब हमारी रेडी है। थोड़ा पूरे अंदर जाता है सिंदूर, थोड़ा सा हाँ मांग थोड़ा सा साइड पे गया है, थोड़ा सा इधर से भी भर दो। गाइस उन लोग का सिंदूर कितना अच्छा रहता है ना, रेड कलर का पूरा काल। वो हम लोग गए थे ना कलकत्ता, तो काली माँ का ये है मंदिर है अच्छा सा, वहाँ पे बहुत रश रहता है। वहाँ पे ऐसे सिंदूर लिया था मैंने पूरा रेड कलर, उसका अब छुड़ाओ ना तो छुड़ता ही नहीं है, इतना अच्छा रेड कलर। देखिए पर्स में क्या क्या भरा है। तो गाइस हमारी बंगाली दुल्हन रेडी हो गई है। और निकिता उसको वहां से खोस दो बराबर से। गाइस बताइए कमेंट्स करके मेरी बंगाली दुल्हन कैसी लग रही है। गाइस अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। बोला काय तरी माझ्या व्हिडिओ मध्ये आवडला मला मेकअप और मस्त आहे और कुछ मैडम का व्हिडिओ लाइक शेयर एंड कमेंट्स करो। हाँ देखा देखा गाइस देखा, मेरे स्टूडेंट थोड़ा भी मेरा प्रमोशन करना नहीं चाहते हैं। बोला चलिए गाइस अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए जरूर से। तो गाइस चलिए मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, और कौन सा मेकअप लुक और आप देखना चाहते हो वो मुझे ज़रूर से बताइए। बाय बाय। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, बंगाली मेकअप लुक और बंगाली साड़ी और उस तरह की हेयर स्टाइल, ये सारा लुक कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए गाइस कि आपको आपकी कोई फ्रेंड है क्या बंगाली और उनके कोई फोटोज हो ना तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ओके जो भी अगर बंगाली लोग कोई क्रिएट करता है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बताइए कि मेरा कहाँ पे कुछ मिस्टेक है या अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा वो आप मुझे बताइए। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।